हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसी मैथ्स में। सो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 को करेंगे, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया हुआ है, एंड इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप पहले उस इंट्रोडक्शन को देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइजेस करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक फिगर है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये ए बी और सी डी जो है ये इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट ओ, एंड यहाँ पे गिवन क्या क्या है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जो भी हमें गिवन है और जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, ठीक। मतलब ये वाला एंगल ए ओ सी और बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। एंड और क्या गिवन है, एंगल बी ओ डी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। बी ओ डी मतलब बी ओ डी ये वाला एंगल हमें कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो बस इतनी ही चीज़ें हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, एंगल बी ओ ई, बी ओ ई मीन्स कि ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, एंड एंगल सी ओ ई रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमें फाइंड करना है। सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का क्या मतलब है कि ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा एंगल हमें बताना है, ठीक। रिफ्लेक्स का मतलब होता है 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये बनेगा वो एंगल, तो हमें बताना है रिफ्लेक्स सी ओ ई, ठीक। तो क्या हमें गिवन है और क्या हमें बताना है ये क्लियर हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना, ठीक। सबसे पहले हम सी ओ ई को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर सी ओ और ओ ई दो जो है वो रेज हैं, ठीक। स्ट्रेट लाइन पे जो रेज हम बनाते हैं, ठीक है, उससे जितने भी एंगल्स बनते हैं, आप देखो इस लाइन पे 3 एंगल्स बने, एक ये वाला और एक ये वाला, ए बी स्ट्रेट लाइन पर, ठीक है। तो वहाँ पे जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक। मतलब कि हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी ओ ई प्लस ई ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक। ये हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन में जितनी भी अगर हम रेज ड्रॉ करते हैं एंड वहाँ से जितने भी एंगल्स बनते हैं उन सबका सम स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक। तो अब हमें एक क्वेश्चन में गिवन है कि ए ओ सी और बी ओ ई का सम 70 डिग्री है, तो हम ए ओ सी और बी ओ ई की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, 70 डिग्री रख सकते हैं। तो 70 डिग्री बचा क्या यहाँ पे, सी ओ ई, ठीक, और ये 180 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से हम एंगल सी ओ ई को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली, 70 को उधर भेज देंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से जो हमारा एंगल सी ओ ई आया वो हो जाएगा हमारा 110 डिग्री, ठीक। तो ये हमने निकाला ये वाला एंगल, ठीक, ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया है, और हमें क्या बताना है, रिफ्लेक्स सी ओ ई मतलब ये पूरा एंगल बताना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स सी ओ ई फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई फाइंड करने के लिए, ये देखो ये पॉइंट क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है, पूरा। तो अगर हम पूरे मतलब ये पूरा पॉइंट 360 डिग्री का होता है, तो इस पूरे में से अगर हम ये वाला एंगल माइनस कर दें जो कि हमने अभी निकाला है, तो ये माइनस करने से हमें ये वाला पूरा एंगल मिल जाएगा, ठीक। तो हम लिखेंगे 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री माइनस 110, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्स सी ओ ई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 250 डिग्री, ओके। सो एंगल सी ओ ई रिफ्लेक्स सी ओ ई तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या निकालना है, एंगल बी ओ ई, ठीक। तो उसे भी निकालते हैं, एंगल बी ओ ई निकालने के लिए, ये वाला एंगल निकालने के लिए अगर हम देखें कि सी बी एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर ओ ई और ओ बी 2 रेज हैं, तो यहाँ पे बनने वाले जितने भी एंगल होंगे इस स्ट्रेट लाइन पे उन सबका सब 180 डिग्री होगा, ठीक। सी ओ ई अभी हमने फाइंड आउट किया था कितना था, 110 था, है ना, एंगल सी ओ ई 110 था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया 110 डिग्री, ठीक। एंड बी ओ डी हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि 40 डिग्री है, तो हमें निकालना है बी ओ ई। तो सिंपली हम स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये करके हम यहाँ से सिंपली बी ओ ई को निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ ई प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, बी ओ ई सी ओ ई और बी ओ डी, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बी ओ ई हमें निकालना है तो एंगल बी ओ ई को इसी तरह से लिख देते हैं, प्लस सी ओ ई हमें अभी निकाला था 110 डिग्री और बी ओ डी हमें मेंशन है क्वेश्चन में 40 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को प्लस करें, बी एंगल बी ओ ई तो ऐसे रखेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 150। ठीक, एंड इस 150 को उस साइड पे हम भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वहाँ पे जा करके, एंड 180 में से 150 जाएगा तो बचेगा 30 डिग्री, तो हमारा एंगल बी ओ ई क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, एक्स वाई और एम एन जो है वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। ठीक है, पी ओ वाई मतलब ये वाला एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, और ए ए इज टू बी इज इक्वल्स टू गिवन है हमें 2:3। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आप देखो कि लिखो सबसे पहले कि एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो उसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, एंगल बी ए और ये 90 डिग्री, इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए, ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी ओ वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल ए का रेशियो गिवन है 2:3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। ठीक है, पी ओ वाई हमारा 90 डिग्री है और ये 180 डिग्री। ठीक, तो 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, एंड इस 90 डिग्री को उस साइड भजेंगे तो ये माइनस होगा तो यहाँ पे बचेगा 90। ठीक, अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो 90 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से हमने सिंपली x की वैल्यू निकाल ली, x आ गया हमारा 18 डिग्री। ठीक है, तो अब एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए था हमारा 2x, ठीक है, रेशियो एंगल 2x होगा, और एंगल बी था हमारा 3x, तो 2x एंगल ए इज इक्वल्स टू था हमारा 2x, x की वैल्यू हमें मिल गई 18 डिग्री, तो 2 इंटू 18 डिग्री क्या हो जाएगा 36 डिग्री। सिमिलरली बी एंगल बी था हमारा 3x, ठीक, तो 3 इंटू x की वैल्यू 18 डिग्री, मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली तो कितना होगा 54 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से तो हमने ए एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू को निकाल लिया, एंगल ए हमारा आया 36 डिग्री और एंगल बी आया हमारा 54 डिग्री। ठीक, अब हमें जो बताना है वो बताना क्या है, एंगल सी। ठीक, अभी तक जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। ठीक है, हमें ये गिवन था रेशियो, तो यहाँ से हमने एग्जैक्टली एंगल ए और एंगल बी कितना है वो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया। ठीक, ऐसा क्यों किया, ताकि हम एंगल सी को फाइंड आउट कर सकें। आप देखो कि एम एन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, इस साइड पे आप देखो एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा। ठीक, उसमें से आपको एक एंगल पता है 54, तो आप इस वाले एंगल को निकाल सकते हो, वही आपको निकालना है क्वेश्चन में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सिंस एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए नहीं होगा बी होगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, तो हमें एंगल बी पता है 54 डिग्री, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, एंगल बी हो जाएगा हमारा 54 डिग्री, और एंगल सी हमें नहीं पता है जो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो एंगल सी इस 54 को हम उस साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का होगा। ठीक, 180 में से 54 माइनस कर लेंगे तो हमें एंगल सी मिल जाएगा, तो एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा 126 डिग्री।
ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था, सिंपली हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, मतलब पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इक्वल है पी आर क्यू के, इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमें गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्रूव करना है इक्वल एंगल पी आर टी के, पी आर टी मतलब इस वाले एंगल के इक्वल हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने लिख लिया गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, अब आप देखो कि ये एस क्यू आर टी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, एंड इस पे ये जो रे पी क्यू है, इससे जो एंगल बन रहे हैं ये पी क्यू एस और पी क्यू आर, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सिंस एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन सो ये जो एंगल बन रहा है हमारा एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमें गिवन है पी क्यू आर, हम पी क्यू आर निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से हम पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि यहाँ से पी आर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, और उन दोनों को इक्वल रख देंगे, सिंपली थोड़ा सा इधर उधर करने, उन दोनों को इक्वल रख देंगे एंड हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ से हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पी क्यू आर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस। ठीक है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब इसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा और वहाँ से हम पी आर क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी आर क्यू और पी आर टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यहाँ से हम पी आर क्यू की वैल्यू को निकाल लेंगे। पी आर क्यू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस पी आर टी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें गिवन था कि पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो इक्वल रखने से क्या होगा कि 180 लिख देंगे यहाँ पे हम थोड़ा सा कि इट इज़ गिवन दैट इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर क्यू। ठीक, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे इसके इक्वल। ठीक, तो 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस पी आर टी। ठीक, तो यहाँ से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एंगल पी क्यू एस इक्वल हो जाएगा माइनस एंगल पी आर टी के, और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें प्रूव करना था, पी क्यू यहाँ पे एस है क्वेश्चन में। ठीक है, गलती से गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे पी क्यू एस था। ठीक है, तो पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्रूव हो गया। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया कि जो भी हमें गिवन था वहाँ से हमने पी क्यू आर और पी आर क्यू की वैल्यू को निकाल के दोनों को इक्वल रख दिया, और वहाँ से हमें जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव किया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो 3 क्वेश्चंस है 4, 5, 6 उसको डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।